नमस्कार। आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल आपके साथ, मैं हूँ रीना। जीवन में हर चीज यदि संतुलित मात्रा में हो तो ही बेहतर होता है। असंतुलन कई गड़बड़ियां पैदा करता है। महान विद्वान कूटनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में कुछ बातों के लिए आगाह किया है। इसमें कुछ चीजों की अति करने से बचने के लिए कहा गया है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कुछ चीजों के मामले में अति करना जिंदगी भर भारी पड़ सकता है। चाणक्य नीति कहते हैं कि अत्यधिक सुंदरता के कारण माता सीता का हरण हुआ था, वहीं हद से ज्यादा अहंकार करने के कारण भगवान राम को रावण का वध करना पड़ा था, वहीं अच्छाई के मामले में भी अति करना भारी पड़ता है। राजा कर्ण को दान करने के नियम के कारण अपने कवच कुंडल गंवाने पड़े थे, लिहाजा किसी भी मामले में अति करने से बचना चाहिए। चाणक्य नीति कहती है कि शत्रुता मित्रता में भी अति ना करें, ना ही किसी से इतना शत्रुता करने की मौका पड़ने पर उसका सामना करने की स्थिति भी ना रहे, या फिर वो व्यक्ति आपकी जान का नुकसान पहुंचा कर ले। ना ही किसी से इतनी मित्रता करें कि उस मित्र के साथ छोड़ने पर आपका जीवन भारी लगने लगे। इसी तरह भोजन के मामले में अति ना करना, वरना आए आपकी सेहत को इतना नुकसान पहुंचा देगा कि केवल पछतावा ही आपके हाथ लगेगा। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस को देख पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।